नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कानपुर ट्रेन हादसे में अब तक 135 लोगों की मौत, 110 शवों की हुई शिनाख्त। रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन, हादसे की वजह जानने के लिए रेलवे ने शुरू की जांच। नोटबंदी का आज 13वां दिन, सुबह सुबह दिल्ली के जहांगीरपुरी इंद्रपुरी में एटीएम के बाहर पहुंचे राहुल गांधी, लाइन में लगे लोगों से की बातचीत। वहीं संसद में सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, सीमा पार से हुई फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान शहीद, 3 घायल। भारतीय सेना भी दे रही है मुंह तोड़ जवाब। देश के सबसे लंबे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज, कई फाइटर प्लेन भरेंगे उड़ान। 22 महीनों में 13,500 करोड़ की लागत से बना है एक्सप्रेसवे, सीएम अखिलेश यादव करेंगे लोकार्पण। सतलुज यमुना लिंक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, हरियाणा ने पंजाब पर कोर्ट का आदेश न मानने का लगाया आरोप। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ राहिल शरीफ की गीदड़ भपकी, कहा पाकिस्तानी सेना किसी भी पारंपरिक जंग के लिए तैयार। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।